नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर उमा श्री और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। प्यारे मित्रों, उम्मीद करती हूं आप बहुत खुशी से होंगे और आपकी खुशी मित्रों हमेशा बनी रहे, यही शुभकामना मैं परमात्मा से आपके लिए मांगती हूं और प्रेषित भी करती हूं अपने हृदय के द्वारा कि आपको जीवन में उन्नति और बरकत और तरक्की मिले। मित्रों, इसी क्रम में तरह तरह के वीडियो मैं बनाती हूँ। आज का जो वीडियो है वो भी बहुत खास है। पितृ कृपा के बिना कई बार जिंदगी बाधित हो जाती है। कुंडली भी सही है, मकान का वास्तु भी सही है, आसपास का वातावरण भी सही है और आप डेली कुछ ना कुछ ऐसे उपाय भी करते हैं, लेकिन प्रायः कई घरों में पितृदेव उपेक्षित रहते हैं। पितृदेव बेसिकली हमारे पूर्वज हैं। जब कोई मनुष्य घर में होता है, उसके माता पिता बाहर से कहीं आ रहे होते हैं और वो उनको एक गिलास पानी के लिए भी ना पूछे तो माता पिता को कैसा फील होगा, ये बात अच्छे से समझी जा सकती है। जो लोग माता पिता हैं वो अपनी फीलिंग को समझ सकते हैं कि जब कोई बच्चा उनको अपने हाथ से पानी पिलाए या कोई चीज़ खाने को देवे तो इतनी खुशी मिलती है जिसका कि शब्दों में वर्णन करना अत्यंत मुश्किल और जटिल है, बल्कि किया ही नहीं जा सकता। तो उसी प्रकार से जो पूर्वज हैं, जो चले गए हैं, वो भी ये कामना करते हैं कि उन्हें याद किया जाए, स्मरण किया जाए और उनके निमित्त कुछ ना कुछ निकाला जाए सामग्री शुभ अवसरों पर। कई घरों में गृह प्रवेश या बच्चों के जन्मोत्सव, जन्मदिन के दिन, वेडिंग एनिवर्सरी के दिन, बड़ों की वेडिंग एनिवर्सरी के दिन या अन्य कोई शुभ मौके जब घर में मांगलिक उत्सव होते हैं, उस दौरान जब पितरों को विस्मृत कर दिया जाता है, हालांकि ये बहुत कम जगह होता है, जनरली याद किया जाता है, लेकिन हर वीडियो हम उन्हीं लोगों के लिए बनाते हैं जिनको कि इसकी जानकारी नहीं होती है। तो भले ही एक्चुअली क्या कई लोग ये भी बोलते हैं कि हमें पितरों का पता ही नहीं है तो हम किस तरह से उनको स्मरण करें, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि पितर जरूरी नहीं है कि आपको ज्ञात हैं तभी वो पितर हैं। पितर तो होंगे ही आपके, भले ही किसी वजह से आपको ध्यान नहीं है कि आपके पितृ या पितरी कौन है, तो आपको उनके लिए थाली और कुछ निकालना, सामग्री जरूर निकालनी चाहिए जब कोई शुभ अवसर हो। इसके लिए उनके लिए वस्त्र निकालने चाहिए, भोज्य सामग्री जो तैयार हुई है घर की, वो घर के जो भगवान को आप भोग लगा रहे हैं, साथ ही साथ पितरों के निमित्त अलग से थाली निकालनी चाहिए। इसके अलावा जो ब्राह्मण वगैरह को जो भोजन कराया जाता है, इसके पीछे भी उद्देश्य यही रहता है कि आपके जो सारे काम हैं, मांगलिक काम हैं, ब्राह्मण देवता के आशीर्वाद से फलीभूत हों और पितृदेव की कृपा भी आप पर बनी रहे। पितृदेव की जहाँ कुपित होते हैं पितृदेव, वो स्थिति घर में बड़ी विकट हो जाती है। उसमें यह है कि जैसे शादी तय हो गई और अचानक से टूट गई, मकान का काम चालू किया तो अचानक से रुक गया और काफ़ी लंबे समय तक उसमें विघ्न बाधाएं आती रहीं, अचानक से शिक्षा में रुकावट आ गई, घर के सदस्य बेवजह आपस में लड़ते रहें, सुबह सुबह उठते ही घर में क्लेश हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है और समझ में नहीं आता है कि ये क्यों हो रहा है। इंटेंशनली कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता लेकिन पता नहीं क्या रीज़न हो जाता है जिसकी वजह से घर में लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है। तो ये सबसे बड़ा इंडिकेशन होता है घर में पितृदोष होने का। इसके लिए आप अपने जो घर का परिंडा है, जो जल स्थान है, उसको शुद्ध और स्वच्छ करके रखें। पानी ऊपर से ना पिएं, घड़े में कई लोग जो घड़े से पानी लेकर ऊपर से पीते हैं, इससे भी पितृदोष पनपता है। घर में ज़रूर दीपक लगाएं, आपका जो परिंडा है वहाँ पर भी आपको दीपक लगाना चाहिए। इसके अलावा घर की किचन को हमेशा साफ़ सुथरा रखें। घर में मासिक धर्म के दौरान जब किचन में भोजन वगैरह बनाया जाता है तो ऐसे घरों में भी पितृदोष पनपता है। इसको किस तरह से बैलेंस करें, किस तरह से निवारण करें, इस पर मैं कई वीडियो पहले बना चुकी हूँ, आप उन्हें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मासिक धर्म के दौरान भी आप अगर किचन में पूजा पाठ करते हैं तो किस तरह से काम करना है जिससे कि कोई दोष ना पनप पाए। इसके अलावा आपको घर में जो झाड़ू है उसको साफ़ सुथरा करके रखना चाहिए, झाड़ू गीली नहीं होनी चाहिए। छोटी छोटी बातें होती हैं जो घर में दोष को निर्मित करती है। इसके अलावा आपको घर में हमेशा साफ़ सफाई रखनी चाहिए, अमावस्या के दिन और शनिवार के दिन विशेष सफाई घर में करनी चाहिए। इसके अलावा जो पितृदेव हैं उनका मानसिक जाप जरूर करना चाहिए। जब भी आप भगवान को दीपक जलाते हैं तो पितृदेव के नाम का भी दीपक जलाएं। पितरों के जो निमित्त जो दीपक जलाया जाता है, बेहतर यह होता है कि वो चांदी का दीपक लगाया जाए। पितृ और भगवान का जो स्थान है अलग अलग रखना चाहिए। पितृ भले ही हमारे पूज्य हैं लेकिन भगवान सबसे ऊपर होता है, भगवान सबसे बड़े होते हैं, तो भगवान का स्थान अलग बनाएं, पितरों का स्थान अलग बनाएं। पितरों की तस्वीर घर में साउथ वेस्ट में लगाई जा सकती है, लेकिन जहाँ पर पितरों की तस्वीर होती है, जहाँ पर भगवान का स्थान होता है, वहाँ पर धूम्रपान, मदिरापान या अन्य तरह के जो गलत कृत्य हैं वो भूल कर भी नहीं करने चाहिए। ऐसे करने से भी दोष पनपता है। पति पत्नी जो संबंध बनाते हैं, विशेष रूप से अमावस्या के दिन या शनिवार के दिन या दिन के समय या पितरों की कोई पुण्यतिथि है उस दिन कोई संबंध वगैरह बनाते हैं तो भी पितृदोष पनपता है। तो इन सब चीज़ों से आप बचकर रहें तो आपके घर में सभी तरह के मांगलिक कार्य निर्विघ्न पूरे होंगे और किसी की तरह की समस्या आपके सामने नहीं आएगी। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ प्यारे मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।